मुंबई से सटे बिरार में उत्तर प्रदेश के विंध्याचल धाम की सुप्रसिद्ध देवी विंध्यवासिनी माता की प्रतिमूर्ति स्थापित करने का पुण्य कार्य एडवोकेट दिनेश आर तिवारी जी ने किया है। यह मंदिर काफी आकर्षक दिखाई देता है। देखो बिरारपुर बजेश्वरी रोड पर उस गांव के पास माँ विंध्यवासिनी देवी का दिव्य मंदिर बनाने का नेक कार्य एडवोकेट दिनेश तिवारी ने किया है। कुल 2 एकड़ क्षेत्रफल में यह मंदिर और धर्मशाला, यज्ञ स्थल, गार्डन, शादी विवाह के लिए हॉल, होटल, प्रवचन हेतु मंच आदि की समुचित व्यवस्था इस मंदिर परिसर में की गई है। माता रानी में आस्था रखने वाले भक्त मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, कल्याण, उल्लासनगर, भिवंडी जैसे दूर दराज इलाकों से आकर माता रानी का दर्शन करते हैं। शनिवार और रविवार को यहाँ भीड़ लगी रहती है। पहाड़ियों के बीच बसा यह बिरार का विंध्यवासिनी मंदिर काफी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस बारे में मंदिर के संस्थापक एडवोकेट दिनेश आर तिवारी जी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। ठीक है, मंदिर की स्थापना 2014 चैत्र के नवरात्र में किया मैंने, और उद्देश्य ऐसा है कि माँ जगत में इतनी विश्व विख्याति हैं, इतनी शक्तिमान है उनकी जो है, कि हमने ये सोचा कि माता जी को लोग जो यहाँ के लोग, क्योंकि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की देवी नहीं है, ये महाराष्ट्रियन, गुजराती, बंगाली काफ़ी लोगों की देवी हैं जो कि यहाँ से उत्तर प्रदेश पहुँच के माता जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक उद्देश्य ये हुआ कि भाई यहाँ पे माता जी की प्रतिष्ठा की जाए, उनके मंदिर के का निर्माण कराया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता जी के दर्शन बिना तकलीफ के माता जी के दर्शन कर सकें। महाराष्ट्र रशनी धाम ट्रस्ट के नाम से स्थापना कराया हूँ मंदिर का, और माता जी के धाम में करीब एक काफ़ी लोगों के, कम से कम 100-200 लोगों के रहने की व्यवस्था है, धर्मशाला है, शादी विवाह प्रोग्राम फंक्शंस कुछ भी यहाँ पे किया जा सकता है, यज्ञशाला है यहाँ पे, जहाँ पे सांस्कृतिक मांगलिक कार्य कर सकते हैं आप, किसी भी प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे, रहन सहन के लिए खाने पीने की व्यवस्था है। मैं बचपन से, जब से माता जी से जुड़ा, जब से मैंने होश संभाला, माँ विंध्यवासिनी की स्तुति की, मैं उनसे जुड़ा और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ मुझे। उस आशीर्वाद के तहत माता जी ने मुझे ध्यान ज्ञान दिया कि महाराष्ट्र में एक मंदिर का निर्माण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश सब नहीं जा सकते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के लोग जो माता जी को जानते हैं, पूजते हैं, समझते हैं, ताकि उनकी भक्ति शक्ति यहाँ पे महाराष्ट्र में रह के उनको प्राप्त हो सके, इसलिए उनके माध्यम से, उनकी प्रेरणा से ये मंदिर का निर्माण करवाया मैंने। अब ऐसे कि सब माता जी का आशीर्वाद है, उनका ध्यान ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, माता जी मेरे साथ रहती हैं, आशीर्वाद दिया है उन्होंने मुझे, और उसी आशीर्वाद के तहत ही उन्होंने मुंबई में निर्माण का एक वकालत, ठीक है वकालत एक पेशा है, ये पेशे के बाद में मुझे माता जी मिली हैं, उनकी अनुभूति जो है मुझे बाद में प्राप्त हुई है, अदरवाइज़ अगर वो मुझे पहले मिलती तो शायद हो सकता है वकालत की लाइन में ना हो के मैं उनकी भक्ति शक्ति में रहता। ये करीब 2 एकड़ में है माता जी की मंदिर का जो प्रांगण है, पूरी व्यवस्था यहाँ पे करीब 2 एकड़ में है। कॉस्ट से संबंधित तो मैंने कभी कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया कि क्या खर्च हुआ है, कि कितने लागत कितनी लगी हुई है, ये तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ का देखने के बाद में निर्माण जो है कि कितना खर्च हुआ होगा। बताना चाहूँगा कि यहाँ पे माता जी के दर्शन के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे गुजरात से गुजराती समाज, भट समाज, और महाराष्ट्रियन लोगों में अरनालकर हैं, रेगे हैं, रेले समाज के लोग हैं, चिपलूनकर समाज के लोग हैं, बंगाली काफ़ी लोग आते हैं जो है। तो यहाँ पे ऐसा है कि मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा माता जी के दर्शन करें। माता जी जो कि साक्षात यहाँ विराजमान है, सिर्फ यहाँ मूर्त नहीं है माता जी की, माता जी यहाँ और विंध्यवासिनी धाम में आपको कोई ज़रा भी फर्क नहीं एहसास होगा, साक्षात उनकी मूर्ति है, साक्षात माता जी का यहाँ पे पावर है। आप सभी लोगों के, आपके माध्यम से यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग माता जी के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, और यहाँ की जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितनी व्यवस्था की गई है, उसका भी सब लोग आनंद लेवें। यहाँ पे हर व्यवस्था, हवन, पूजा पाठ, कढ़ाही चढ़ाना, यज्ञ, मुंडन, सारी व्यवस्था, सारी फैसिलिटी हमने की है,
पाँच साल से हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम फैसिलिटी दे सकें। ज़्यादा लोगों का धाम मतलब जो है कि एंड, धाम का मतलब होता है पूर्ण विराम। तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि लोग धाम में माता जी के आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रसाद, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद।